हेलो फ्रेंड, तो कैसे आपको आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। मैं हूं निलेश, निलेश प्रजापति, और आज अपन बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के रबर गैसकेट के बारे में। एयर फिल्टर में जो रबर गैसकेट लगती है उसके बारे में बताने वाला हूं, वो क्यों जरूरी होती है, क्यों लगाना जरूरी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है रबर गैसकेट। तो इसको कैसे लगाते हैं और क्यों लगाना जरूरी होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसकी जानकारी अपन को देंगे निखिल भाई। निखिल भाई अपन को बताएंगे इसको क्यों लगाना जरूरी होता है और ये क्यों लगाई जाती है। चलिए निखिल भाई से बात करते हैं और देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं निखिल और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है रबर गैसकेट। ये हंटर में क्यों लगाना जरूरी है और कैसे लगाई जाती है, ये चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन पार्ट्स, रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट्स है रबर गैसकेट। तो इसको कहां पर लगाई जाती है, एयर फिल्टर बॉक्स में ये लगाई जाती है, और कैसे लगाई जाती है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं इसको लगाकर। तो निखिल भाई, ये है रबर गैसकेट, दिखाइए जरा, पास से दिखाते हैं। ये है रबर गैसकेट, आप देख सकते हैं 20 रुपीज़ की आती है, और ये जेन्युइन रॉयल एनफील्ड एसेसरीज पार्ट है। और आप देख सकते हैं, ये आप शोरूम में जाके लगवा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में नई लगी है तो आप शोरूम में जाके लगवा सकते हैं। और ये आप हंटर में ही नहीं, क्लासिक जीवन में और मिट्योर 350 में, आप तीनों बाइकों में लगा सकते हैं। निखिल भाई बताइए, आप कैसे कहाँ लगाई जाती है। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए पहले हमको एयर फिल्टर का बॉक्स खोलना पड़ेगा। यह है एयर फिल्टर बॉक्स, इसको खोलने के लिए हमें एलन की जरूरत पड़ सकती है। तो इसको हम खोल लेते हैं। यह है एलन की से नट खुलता है। तो निखिल भाई, ये लगाना क्यों जरूरी होता है। ये लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एयर फिल्टर में पानी नहीं जाता है, मतलब एयर फिल्टर में पानी वगैरह, एयर फिल्टर में हवा नहीं जाती है, लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इसको लगवाना जरूरी है। दस हजार किलोमीटर तक इसका एयर फिल्टर चलता है। ये अपना एयर फिल्टर निकल चुका है, ये हो गया अपना एयर फिल्टर। तो आप देख सकते हैं, ये है एयर फिल्टर हंटर 350 का, यही डलता है रिबोन क्लासिक 350 में ना, और यही डलता है मिट्योर 350 में। हाँ, सभी गाड़ियों में यही एयर फिल्टर डलता है। और इसमें जो रबर गैसकेट लग रही है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये खाली जगह दी गई है। हाँ, इस जगह में वो गैसकेट अपन को लगाना है। अच्छा, जैसे निखिल भाई किसी और की गाड़ी में नहीं लगी है, कस्टमर की में, तो किसी सब्सक्राइबर के में नहीं लगी, तो वो जाके शोरूम पे जाके लगवा सकते हैं ना। और ज्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 20 रुपीज की है। जेन्युइन एसेसरीज आप देख सकते हैं, 20 रुपीज की ये गैसकेट है, आप लगवा सकते हैं रबड़ गैसकेट। 20 रुपीज की गैसकेट है, 20 रुपीज की गैसकेट। आप लगाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको ओपन करके बताइए, मैं निकाल चुका हूँ। ये रबड़ की है, जैसे रबर बैंड होता है उस टाइप की रबड़ गैसकेट आती है। ये देख सकते हैं, ये है रबड़ गैसकेट। तो इसे लगा के बताइए, लगाने के बाद एयर पास नहीं होगी, पानी नहीं जाएगा एयर फिल्टर में, एयर फिल्टर बिल्कुल साफ रहेगा, तो गाड़ी की सर्विस अच्छी चलेगी। मतलब इसमें अगर गाड़ी धुलती करती है तो प्रेशर का पानी नहीं जाएगा, जिससे अपना एयर फिल्टर खराब ही नहीं लगाया जाता है। ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से लग चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ये फिक्स हो गई है। चपेट का लगा दो। ये फिट हो चुकी है, ये इस तरीके से रबर गैसकेट लग चुका है ये। और अब इसको कैसे फिल्टर में कैसे पैक करते हैं। अब इसको, इसके ऊपर से फिल्टर कैसे फिट किया जाता है, इसको इसके ऊपर से ये आपका फिल्टर सीधा लग जाएगा। फिल्टर लगाने के बाद आपको सीधा इसको अंदर प्रेस करके नॉर्मल जैसे कसते हैं उसको वैसे ही लगा दिया जाएगा, स्क्रू जैसे कि जैसे लगा देना है। इस गैसकेट से क्या होता है कि इसका आपको जो पानी है, जो हवा है, धूल मिट्टी है, गाड़ी चलाते समय धूल, मेन चीज तो पानी है, कि पानी नहीं जाएगा धुलने में ना, नहीं जाएगा। एयर फिल्टर आपका खराब नहीं होगा, एयर फिल्टर खराब नहीं होगा, तो गाड़ी अच्छी सर्विस देगी और गाड़ी एवरेज भी बढ़िया देगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैंने लगा दिया है, ये इंस्टॉल हो चुका है गाड़ी में। अगर आपके एयर फिल्टर बॉक्स में अगर ये गैसकेट नहीं लगी है तो
तो आप ये शोरूम पर जाकर लगवा सकते हैं। तो निखिल भाई, क्लासिक हो या मिट्योर हो या हंटर थ्रिप्टी हो, तीनों गाड़ी हम कोई सी में आप लगवा सकते हैं। कोई भी गाड़ी हो तो ये चीज आपको लगवाना जरूरी है, क्योंकि इससे सबसे मेन बात ये है कि इसको लगवाने से अपनी जो एयर फिल्टर है उसकी एज बढ़ती है, एयर फिल्टर सही तरीके से काम कर पाएगा, पानी नहीं जाएगा, एयर फिल्टर खराब नहीं होगा। तो इस चीज को लगवाना जरूरी है। अगर आपका आपकी गाड़ी में नहीं लगा हुआ है तो आप इसको जरूर लगवाइए। तो निखिल भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी, आप कैसेट लगवाइए, मिट्योर हो, हंटर हो, क्लासिक, थ्रिप्टी, रिमोन, कोई सी भी गाड़ी हो, तीनों में से आप कोई सी भी गाड़ी में आप जाके गैसकेट लगवा सकते हैं। 20 रुपीज का खर्चा है, बाकी कोई भी नहीं है। और निखिल भाई ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी, और ऐसे ही जानकारी हम लोग आपको लाते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।